अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरियल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने जो डायग्राम है इसके बारे में जो प्रीवियस वीडियो उसमें थोड़ा डिस्कस किया था। अभी जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे ये आपकी जो इनपुट वोल्टेज होगी वो होगी VBC। तो ये आपकी जो इनपुट वोल्टेज है और ये जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो की आपकी होगी जो आपका VCE। तो ये आपकी जो है आउटपुट वोल्टेज है। अगर हम यहाँ से बात करें तो जो आपकी VCE वो आपकी इक्वल है VBC प्लस में VBE। तो VBE जो आपकी वोल्टेज है वो आपकी जो आपका एमिटर बेस जंक्शन है उसके अक्रॉस में है। अब जो आपकी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट वेयर आउटपुट वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट। तो जो आपकी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है अगर हम उसको ड्रॉ करें तो वो कुछ आपकी इस प्रकार से होगी। ये आपकी जो इनपुट वोल्टेज है VBC, ये आपका इनपुट करंट है IB। अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनपुट वो कुछ इस तरीके से होती है। ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है आपकी PCE। अगर वो आपकी जैसे जैसे वो आपकी बढ़ती है जो आपका IB करंट है वो आपका डिक्रीज करता है। तो मान लो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो हम लोग देखते हैं अगर आपकी ये वोल्टेज इंक्रीज हुई तो आपकी ये वोल्टेज भी इंक्रीज हुई। और इसकी वजह से आपने पिछले जो प्रीवियस वीडियो में बेस मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा था, जो आपकी इफेक्टेड विड्थ है वो आपकी डिक्रीज हुई और उसके डिक्रीज होने से जो आपका IB करंट है वो आपका डिक्रीज हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूँ तो ये भी आपका डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी जो इफेक्टेड विड्थ है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी और जो IB है आपका वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं सेकेंड उसमें देखूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूँ तो जो आपके पास कर्व है वो कुछ इस प्रकार से आएगी। VCE मान लो मैंने 7 वोल्ट जो है कर दी। तो जो इसमें आपका क्या होता है कि जो आपकी इनपुट है हम उसको वेरी करते हैं और जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम डिफरेंट रीडिंग लेते हैं तो हम उसकी जो वैल्यू है अगर हम उसको कम जो आउटपुट वोल्टेज उसको कम से कम लेते आएंगे तो जो आपका IB करंट है वो आपका इंक्रीज करता चला जाएगा। जो है आपकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या कहती है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज वर्सेज इन आउटपुट करंट वेयर इनपुट करंट इज कॉन्स्टेंट। वहाँ पे आपका क्या होता है, इनपुट करंट जो है आपका वो कॉन्स्टेंट होता है। अगर हम उसको ड्रॉ करें तो वो कुछ आपकी इस प्रकार से होगी। ये आपका आउटपुट वोल्टेज, ये आपका आउटपुट करंट IE। अब हम लोग देखते हैं आपके पास जो आपने अभी इक्वेशन पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, जो आपका IE जो आपका आउटपुट करंट था वो आया था आपका गामा IB प्लस में गामा ICBO। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैं जो IB है जो आपका इनपुट करंट है अगर मैं IB की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो जो आपके पास IE करंट है वो ICBO के इक्वल होगा। तो जो आपके पास करंट फ्लो होगा जब आपका इनपुट करंट 0 है, आपका IB जो करंट है वो आपका 0 है, तो जो आपके पास करंट फ्लो हो रहा है ये आपका जो करंट है ICBO है। और इस रीजन में जो आपके दोनों जंक्शन हैं जंक्शन J1 जंक्शन J2 वो आपके रिवर्स बायस में रहते हैं, मतलब के इस मोड में जो आपका ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में रहता है, इसको हम कट ऑफ रीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट में अभी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है जो हमारी सेम आपकी जो सी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तरह है,
ये जैसे ये कुछ ऐसे। मान लो कि ये आपका यहाँ पे जो करंट था 1 माइक्रो एम्पियर था, यहाँ पे 2 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे 3 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे आपका 4 माइक्रो एम्पियर, तो यहाँ पे आपका मान लो कि 40 माइक्रो एम्पियर हो गया, यहाँ पे आपका 30 माइक्रो एम्पियर हो गया, यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पियर हो गया। तो ये जो आपका यहाँ पे 2 से 20 माइक्रो एम्पियर है, ये आपका एम्पलीफिकेशन होने के बाद आपको मिलता है। जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो उसको आपका जितने टाइम चाहे वो आपको 10 टाइम्स या जितना टाइम्स भी आप जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो आपको एम्पलीफाई करके देता है। तो ये जो इसकी जो रीज़न है जिसमें आपकी एम्पलीफिकेशन होती है, इसको आप लोग बोलते हो एक्टिव रीज़न। ये आपका एक्टिव रीज़न है। और ये आपका जो थर्ड है, ये आपका सेचुरेशन रीजन है, ये आपका सेचुरेशन रीजन है। अब जो इसका हमारा आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लो होता है, तो इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है आर नोट वो बहुत ही लो होता है, और जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन का हम मोस्टली यूज़ कहाँ पे करते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। मैचिंग के लिए। और दूसरा हम इसको एमिटर फॉलोवर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका है एमिटर करंट को फॉलो करता है, तो इसलिए सर्किट का नाम जो है एमिटर फॉलोवर भी हम लोग बोलते हैं। और दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, हम इसका यूज़ एज ए बफर एम्पलीफायर की तरह भी करते हैं। दूसरा देखो, अगर किसी भी जो हमारी जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट है अगर उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई है और आउटपुट इम्पीडेंस लो है, ऐसे जो भी हमारे एम्पलीफायर हैं उनका हम लोग यूज़ वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर करते हैं। तो इसका हम लोग जो अलग से यूज है वो वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में भी होता है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे आपका अल्फा बीटा और गामा में क्या होता है। थैंक यू।